12 लाख रुपए का घाटा खाया। 12 लाख बहुत होते हैं, 12 लाख रुपए था तब उसमें ना, तब पहले से इशू था, पर उन्होंने मुझे बेवकूफ बनाया कि उसमें ये प्रॉब्लम नहीं है। उसमें बेसिकली एक EGR वॉल करके आता, उसमें एक दिक्कत थी, ठीक है। तो फिर मैं आपको बता दूं कहां पे हम हैं अभी। आई गेस 5 बज रहे होंगे, ठीक है, 5:16 बज रहे होंगे, 5:16 हो रहे हैं। गाइज आपको पता होगा हमने अपनी BMW GT सेल कर दिया, तो मुझे उसकी NOC रोल बैक करवानी थी, तो मुझे उधमपुर जाना पड़ा किसी काम से, तो वो काम सारा डन हो चुका है, मैंने पोस्ट करवा दी है NOC। मेरे कुछ पैसे भी फंसे हुए थे, इसीलिए वो काम बहुत ज्यादा जरूरी था। तभी उसी काम में मैं बिजी था, ब्लॉग वगैरह कुछ नहीं बनाया, जिम से डायरेक्ट वहां चला गया था खाना खा के। तो अभी जल्दी से निकलते हैं सिद्रा के लिए, ब्लॉग बनाते हैं आप लोगों के लिए। 2 दिन से हमारा रैप का काम डिले हो रहा है, मुझे नहीं लगता आज भी टेंट हो पाएगा। ये देख रहे हो भाई, ऐसे कैसे ही पड़ा हुआ है, काम बहुत ज्यादा डिले हो रहा है, पर वो बहुत जरूरी काम था यार। Much later. So finally guys, अभी हम पहुंच चुके हैं सिद्रा में और अभी हम रुके हैं कॉन्ग्स में। अभी मेहरान आ रहा है यार, फिर हम चलते हैं डायरेक्ट टेंट करने के लिए। और गाइज मुझे आप लोगों से ना बहुत ही एक इम्पोर्टेंट बात करनी थी अपनी BMW GT के रिगार्डिंग, ठीक है। पहले मैंने सोचा था ये टॉपिक आप लोगों से नहीं डिस्कस करूंगा, फिर मेरे को माइंड में ये आया कि जो फ्रॉड मेरे साथ हुआ वो आगे किसी और के साथ भी हो सकता है, तो मैं नहीं चाहता जो फ्रॉड मेरे साथ हुआ वो मेरे किसी भाई के साथ हो या मेरे किसी ऑडियंस के साथ हो, ठीक है। तो गाइज सीन ऐसा, आप लोगों को पता होगा मैंने BMW GT ली थी दिल्ली से, ठीक है। तो वो गाड़ी मैंने ऑलमोस्ट 1 साल अपने पास रखी है। यहाँ पे वो गाड़ी मैंने कम से कम बहुत, मैं कहता हूँ 5,000 किलोमीटर चलाई होगी, उससे ज्यादा नहीं चलाई थी। तो गाइस उस गाड़ी में ना एक प्रॉब्लम आ गई थी, जब मैं गाड़ी लाया था तब उसमें ना, तब पहले से इशू था, पर उन्होंने मुझे बेवकूफ बनाया कि उसमें ये प्रॉब्लम नहीं है। उसमें बेसिकली एक EGR वॉल करके आता, उसमें एक दिक्कत थी, ठीक है। तो फिर जब मैं जम्मू आया, मैंने गाड़ी को चेक करवाया और मुझे पता चला कि गाड़ी में ऐसे ऐसे दिक्कत है। मैंने दिल्ली कॉल किया, मैंने कहा भाई इस गाड़ी में ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है, आप ये काम करो, मुझे कोई और गाड़ी दे दो, या आप एक्सचेंज कर लो या तो वापस कर लो, मेरे पैसे मुझे वापस कर दो। तो उन्होंने सिंपली मना कर दिया। जिन लोगों को मैं इतने अच्छे तरीके से जानता था ना, वो लोग बोलते भाई ये गाड़ी आप ले गए हो, ठीक है, अब ये वापस नहीं हो सकती है। मतलब यार मेरे को इतना बुरा लगा ना, इतना शॉकिंग लगा कि भाई ये कैसे हो सकता है। मैंने उनको ये तक बोला कि भाई आप 1-2 लाख रुपए कम दे दो, पर ये गाड़ी चेंज कर दो मुझे, क्योंकि इसमें ऐसे ऐसे एक प्रॉब्लम है। मैंने कभी ये चीज YouTube पे शेयर नहीं की, मैंने कहा अगले बंदे को क्या बदनाम करना यार। पर अब मेरे माइंड में ये चीज आई है कि यार ये फ्रॉड आगे को किसी और के साथ भी हो सकता है ना, जो मेरे साथ हुआ। जो उनका बिहेवियर था ना, वो देख के मुझे पता चल गया कि भाई गाड़ी में दिक्कत है, और उनको पता था इसमें पहले से दिक्कत है, उन्होंने मेरे साथ किया फ्रॉड। फॉर एग्जाम्पल ये थार है, ठीक है, अगर इसको मैं सेल कर रहा हूँ, ठीक है, मुझे पता है गाड़ी ओके, अगर अगला बंदा मेरे को 1 दिन के बाद बोल रहा है, 2 दिन के बाद, भाई 1-2 लाख रुपए काट लो और गाड़ी वापस ले लो, मैं तो ले लूंगा ना भाई, मेरा तो फायदा हो रहा है, 1-2 लाख रुपए मेरे को फालतू मिल गए। पर उनको पता था कि उनकी गाड़ी ठीक नहीं है, तभी वो गाड़ी वापस नहीं ले रहे थे। फिर मैंने जो भी काम था ना गाड़ी का, वो सारा खुद से करवाया, ठीक है। उन्होंने बिल्कुल कट ऑफ कर दिया, मेरे से फोन उठाना मेरा छोड़ दिया, सब कुछ, मतलब फ्रॉड कर लिया इन शॉर्ट। तो ये चीज मैं YouTube पे शेयर कर सकता था, पर यार मैंने दोस्ती के रिगार्डिंग मैंने कहा यार अगले बंदे को मैं वो नहीं डिफेम नहीं करना चाहता। मैंने ना कोई वीडियो बनाई, ना कुछ गलत बोला, बस मैं आप लोगों को ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद पता है क्या है मेन, कि आप लोगों को मैं बताऊं कि दिल्ली में कितना ज्यादा फ्रॉड है। दिल्ली में इतना ज्यादा फ्रॉड है, लोग आपको दोस्त बनाएंगे, फिर आपका मतलब फायदा उठा लेंगे, आपको गलत चीज बेच देंगे और फिर आपका फोन भी नहीं उठाएंगे। तो मैं आपको यही बोलना चाहता हूँ कि यार ऐसे लोगों से बच के रहो, दिल्ली वगैरह से गाड़ी मत लो, अगर आप ले रहे हो किसी ट्रस्टेड बंदे से लेना। मैं जिनके पास गया था यार वो भी ट्रस्टेड लोग ही थे, पर अब मैं कुछ नहीं बोल सकता यार, दिल्ली के लोग, दुनिया बोलती है कि दिल्ली के लोग होते ही ऐसे है। पर अगर आपको गाड़ी लेनी है ना, आपको कोई सेकंड हैंड गाड़ी लेनी है यार, ऐसा भी नहीं है कि मैंने बहुत पुरानी गाड़ी ली थी। आपको पता उस गाड़ी में मैंने कितना घाटा खाया है, 12 लाख रुपए का घाटा खाया, 12 लाख बहुत।